जैसे कि हमें पता है जो कि अगले यूनिवर्सल चैंपियन बनने वाले हैं वो ऑफ कोर्स रोमन रेंस ही होने वाले हैं और वो बनने वाले हैं रेसलमेनिया 34 पर। बट ये जो चीज है इसके साथ साथ रोमन रेंस के लिए एक बुरी चीज भी लेकर आएगी, उस चीज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं रेसल गुरु और मैं हूं हरमन, चलिए वीडियो में चलते हैं। पहले तो अगर मैं गाइस वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक चीज बता दूं, अगर तो आप रोमन रेंस के नॉर्मल फैन हैं तो आप ये वीडियो मत देखिए बिकॉज इसमें आपके लिए कुछ ज्यादा नहीं होगा। बट अगर आप रोमन रेंस को एज अ फैमिली मानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज रोमन रेंस के साथ जो की है अंदरूनी काफी कुछ जो है वो गलत हो रहा है इस टाइम पर। तो सबसे पहले हमें पता है जैसे कि रोमन रेंस जो है वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप रेसलमेनिया 34 पर जीत जाएंगे। बट वो जब भी यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीत लेंगे तो उनके बाद उन्हें शायद स्मैकडाउन लाइव पर जाना पड़ सकता है बिकॉज WWE जो है वो ब्रांड चेंज करने वाली है। ना तो वो इस बार के रेसलमेनिया पर होगा या फिर वो रेसलमेनिया अगर यानी कि रेसलमेनिया 35 के बाद या फिर रेसलमेनिया 34 के बाद होगा। बट जब भी होगा वहां पर ये कहना है कि जो कि यूनिवर्सल चैंपियनशिप है वो ड्राफ्ट कर सकती है चाहे वो किसी भी साल करे। बट अब इस चीज में क्या है, जब भी वो करेगी तब के टाइम पर जो कि टीजिंग आ रही है कि रोमन रेंस होंगे यूनिवर्सल चैंपियनशिप के होल्डर, और अगर हम बात करें तो वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप के होल्डर होंगे दैट टाइम पर, तो उन्हें भी जो है वो ड्राफ्ट कर दिया जाएगा दूसरी साइड पर यानी कि स्मैकडाउन लाइव पर। तो ये जो चीज है रोमन रेंस के लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है बिकॉज जैसे कि यूनिवर्सल चैंपियनशिप है उसके जो कि रेट्स होते हैं यानी कि बोनस पॉइंट्स वो WWE चैंपियनशिप से बड़े होते हैं बिकॉज जो कि रो है वो फ्लैगशिप शो है। अगर हम बात करें यूनिवर्सल चैंपियनशिप की तो वो भी एक फ्लैगशिप टाइटल ही हुआ बिकॉज वो फ्लैगशिप शो का पार्ट है। तो इस वजह से अगर मैं बात करूं तो अगर वो स्मैकडाउन लाइव पर चले जाते हैं तो रोमन रेंस के जो कि बोनस है वो वैसे ही बहुत ज्यादा कम आ जाएंगे। उसी के बाद जैसे ही रोमन रेंस अगर यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीतने के बाद रो पर भी रहते हैं तो ये रोमन रेंस के साथ इस बार बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है जो कि पहले जॉन सीना अंडरटेकर ऐसे बड़े बड़े रेसलर्स जो कि वो फेस करते थे। जैसे कि रोमन रेंस ने प्रीवियसली काफी सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं तो वो प्रीवियस जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो हर साल रोमन रेंस जैसे बनाते हैं तो उन्हें जो कि है उनका जो मिल जाता है बोनस। बट इस बार अगर मैं बात करूं तो क्या प्रॉब्लम है, जैसे ही रोमन रेंस यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीतेंगे वैसे उनको पिछला बोनस मिलना जो है वो बंद हो जाएगा और नए यूनिवर्सल चैंपियनशिप का बोनस मिलेगा। जैसे हिसाब से मैं बात करूं तो उनकी 60% तक की जो कि बोनस है वो कम हो जाएगा बिकॉज जो कि मोस्ट ऑफ दी उनका जो आता है वो मेनली आता ही टाइटल की वजह से नहीं आता है, उनके बनाए हुए रिकॉर्ड्स की वजह से ही। इस वजह से यूनिवर्सल चैंपियनशिप जो है उनको फाइनेंशियली थोड़ा सा तंग कर सकती है। बट अगर मैं बात करूं तो अगर वो थोड़े लंबे टाइम के लिए यूनिवर्सल चैंपियनशिप रख लेते हैं तो इस वजह से कुछ टाइम के लिए चाहे बोनस कम आएगा बट करियर पॉइंट बहुत अच्छा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए, यहां तक वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दो। आप देख रहे हैं रेसल गुरु और मैं हरमन।